नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टर क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। यह इस चैप्टर का पार्ट वन है, ठीक है। हम लोग पार्ट वन डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर्स को हम लोग तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट वन चैप्टर है जिसमें मेनली हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ आप, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो है इस टॉपिक में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हमें समझना होगा रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री और प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन करना, किसी चीज का दोबारा से प्रोडक्शन करना, आम भाषा में लिटरल मीनिंग तो यही होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में कहा जाए, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में कहा जाए, तो वैसे लिविंग क्रिएचर जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी वो किस तरह से अपने ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसी को ही, वही प्रोसेस को, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें समझना है कि ऑर्गेनिजम्स को, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमें जरूरत क्यों है रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है एक कोई लाइफ सस्टेनिंग या लाइफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, जिस तरह से न्यूट्रिशन या रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है। ये मैंने फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था डिटेल में। तो ये सब तो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस है, लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विदाउट रिप्रोडक्शन भी हम लोग जी सकते हैं, है ना, लेकिन विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हम लोग नहीं लंबे समय तक जी पाएंगे। लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन हम लोग जी सकते हैं। तो हमें जरूरत क्यों है रिप्रोडक्शन का, जरूरत क्यों है इसमें? इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम होता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स का भी कंजम्पशन होता है, ठीक है। और तो भी हम लोग रिप्रोडक्शन करना जरूरी क्यों है वो समझना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अगर आसान भाषा में कहा जाए तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि जेनरेशंस कैसे होंगे, जेनरेशन को अगर हम लोग को बढ़ाना है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन से ही होगा। मान लीजिए कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, वो फ्लावर क्या करेगा, बहुत सारे और भी फ्लावर्स को प्रोड्यूस करेगा, तभी ना उसका लाइफ जो है फ्लावर्स बनेंगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ अपने सब तक ही सीमित रह जाता है, वो और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता, अपने नए ऑफस्प्रिंग्स या नए न्यू यंग वंस नहीं प्रोड्यूस करता है, तो उसका जनरेशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब उसकी डेथ हो जाएगी पेरेंट की, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। तो जनरेशन को मेंटेन करने के लिए बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि आज करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था कि इटली और जापान जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो बहुत कम हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत महीने हो गए हैं जहां पर बर्थ रेट बहुत कम हो गई है एंड डेथ रेट बढ़ते जा रही है, ठीक है। वहां पर पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है। अगर ग्रेजुअल और नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है देन इट्स गुड, बट कहीं पे फोर्सफुल तरीके से फर्टिलिटी रेट कम किया जा रहा है, जैसे कि चाइना में, चाइना में टू चाइल्ड पॉलिसी था, फिर वन चाइल्ड पॉलिसी आया, अलग अलग पॉलिसीज आते हैं, ठीक है। तो अगर फोर्सफुली किया जाएगा देन उस पर बहुत इम्पैक्ट, बहुत डेडलीएस पड़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन पर। इसीलिए रिप्रोडक्शन करना, जनरेशन को मेंटेन करना, वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। फिर डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, हम लोग यंग वंस को ही प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो या लिविंग क्रिएचर्स हो, ठीक है। तो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से? तो
तो नहीं, सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं। जैसे आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं वैसे नहीं होते। जैसे ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, हम लोग अपने माता पिता के जैसे तो लगते हैं, सिमिलर लगते हैं कुछ फेशियल, एक फेशियल जो बॉडी डिजाइन्स है, फेशियल डिजाइन्स होती है वो लगभग सिमिलर होती है, काइंड ऑफ सिमिलर होती है माता पिता से। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली 100% एग्जैक्टली हम लोग एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते, ठीक है। तो हम लोग सिमिलर तो होते ही हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। लेकिन ये एग्जैक्ट कॉपीज हम लोग जब असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बेसिकली रिप्रोडक्शन तो दो है, एक है असेक्सुअल एंड दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनते हैं, वो भी मैं धीरे धीरे करके आने वाला हूँ कुछ टाइम में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एट इट मोस्ट बेसिक लेवल विच इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन, ठीक है। तो जिस तरह से पेरेंट का जनरेशन होगा, ठीक है, पेरेंट जनरेशन जिस तरह से होगा उसी तरह से जो यंग वंस का जनरेशन होगा उसी तरह से कुछ सिमिलरली लगेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्शन में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंट्स के अंदर वो यंग वंस में, ऑफस्प्रिंग्स में, इन्फेंट्स में मेनली वो कॉपी होता है, ठीक है। उसको समझने से पहले हम लोग को एक बहुत बेसिक बायोलॉजी का कंसेप्ट समझना होगा जिसको कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये होता क्या है, तो मेनली हम लोग के जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या है, तो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, तो डीएनए है। तो डीएनए से हम लोग कैसे सारे स्ट्रक्चर बेसिकली बनता है किस तरह से, तो सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी में क्या कहा गया कि डीएनए का सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपना कॉपीज को डबल करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए अपना ही कॉपी करता है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप आ जाता है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। और डीएनए से आरएनए जो बनता है वो सेकेंड स्टेप है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस ये जान लीजिए दोनों ही हेरिडिटरी मटेरियल है। ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिनका हेरिडिटरी मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। और हमारा जो लिविंग बींग्स का मेनली ह्यूमन में क्या होता है, तो डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। फर्स्ट स्टेप में रेप्लिकेशन होगा, डीएनए अपना ही कॉपीज बनाएगा, डबल करेगा कॉपीज को। फिर सेकेंड स्टेप में डीएनए से जो कॉपीज बने उससे ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए बनेगा। फिर आरएनए से थर्ड स्टेप में क्या होता है, बेसिकली आरएनए से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, प्रोटीन्स बनेंगे। तो थर्ड स्टेप जो होगा उसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर हम लोग इसको ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर प्रोटीन्स जो होता है और सिंथेसिस होगा तो वो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के मेनली चेन्स को ही प्रोटीन्स कहा जाता है। तो ये मेनली यही है सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। तो डीएनए का सबसे पहला जो स्टेप होता है, कभी भी कॉपी होता है, अगर डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है और वो हम लोग पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना है, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो रेप्लिकेशन होगा, तभी जाके वो नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में जाएगा, ठीक है। तो द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो बेसिकली कोई भी एक टिपिकल सेल देखेंगे, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, गॉल्गी बॉडीज, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते ही हैं। साथ ही साथ में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में भी बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल मेनली प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉइल्ड होते हैं, कॉइल शेप में, ऐसे इस तरह से कुछ इस तरह से कॉइल क्या रहता है। बेसिकली ये जो कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमैटिन होते हैं, है ना। फिर वो क्रोमोसोम्स बेसिकली होते हैं, तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होते हैं, बने हुए होते हैं, ठीक है। तो
तो क्रोमोसोम्स में ही मेनली हमारा जो है क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स पेयर है, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, एंड जो थर्ड लास्ट जो है 23rd जो होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वही जो है थर्ड 23rd जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम, वही डिटरमाइन करता है कि जो भी इन्फेंट जो भी यंग वंस बन हो रहा है वो क्या मेल है या फिर वो फीमेल है। तो वो 23rd नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है जिसको सेक्स क्रोमोसोम मेनली कहा जाता है वही डिटरमाइन करता है। तो ये इसी क्रोमोसोम्स में मेनली जेनेटिक मटेरियल जो कि ह्यूमन बींग्स में मेनली हम लोग पढ़ेंगे उसमें डीएनए ही प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, ठीक है, और यही है प्रोटीन्स बनाने का मैं सारा प्रोसेस बता चुका हूँ कि डीएनए से पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड प्रोसेस इज आरएनए का सिंथेसिस होगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। इसीलिए क्या होता है बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि प्रोटीन्स ही हमारे बॉडी डिजाइन को डिटरमाइन करेगा कौन कैसा होगा। तो अगर एग्जैक्ट ये प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अगर एग्जैक्ट हो रहा है तो हम लोग पेरेंट्स के बहुत हूबहू लगते हैं, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एग्जैक्ट होना बहुत चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उसमें वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उतना सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट कॉपीज बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा क्योंकि अगर कहीं कोई भी स्टेप पे चाहे रेप्लिकेशन स्टेप पे ही हो जाए कुछ भी एरर्स आ जाए या ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन सिंथेसिस फेज में, तो पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस है वही चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि डीएनए का एक सीक्वेंस है ए सी टी ए ए सी टी जी टी सी जी, ये सब बेसिस है, ठीक है, मान लीजिए ये सीक्वेंस है ये पेरेंट्स का, ठीक है, और जो फेक नेक्स्ट जनरेशन आया F1 जनरेशन आया यंग वंस में, अगर यहाँ पर कोई भी बेसिस का अदला बदली हो जाता पोजीशन चेंज हो जाता है, मान लीजिए ए सी टी के जगह ए टी सी जी टी जी सी, यहाँ पर दो पोजीशन पे जो बेसिस है उसका चेंजेस होगा, तो इसके कारण क्या होगा प्रोटीन्स अलग बनेंगे, ये जो कोड्स है इससे अलग प्रोटीन्स बनेंगे और इस कोड से अलग प्रोटीन्स बने, ठीक है, तो इस कारण से हमारा बॉडी डिजाइन अलग होगा, हम लोग खूब लगभग सिमिलर तो लगते हैं पेरेंट्स के लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी को ही जो एग्जैक्ट कॉपीज ना बनना एक नया इंडिविजुअल बनना इसी को ही क्या कहते हैं वेरिएशन, है ना, हम लोग पेरेंट्स से या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उससे हम लोग अलग होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन जरूरी क्यों है, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। द कंसिस्टेंसी ऑफ द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निच, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी बता देता हूँ, एक तो है निश और हैबिटेट का। तो ये जो टर्म्स है निश और हैबिटेट ये मेनली इकोलॉजी में पढ़ा जाता है, निश हैबिटेट, ठीक है। तो मैं बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, निश बेसिकली होता क्या है और हैबिटेट, हैबिटेट वो जगह होता है जहाँ पर हम लोग खाते पीते हैं और अपना काम वाम जो भी करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली क्या हो गया आपका हैबिटेट हो गया, लेकिन क्या आप पूरा दिल्ली में रहते हैं, क्या आप पूरी दिल्ली में फंक्शंस करते हैं, नहीं करते होंगे, आप दिल्ली के किसी एक पार्ट में साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली किसी एक पार्ट में मान लेते हैं साउथ दिल्ली में आप रहते हैं, तो पूरा जो दिल्ली है वो आपका हैबिटेट है, आप वहां पर जाते हैं पढ़ते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में घूमते हैं फिरते हैं, तो वो आपका एक हैबिटेट हो गया। लेकिन आपका जो कोर एरिया
कोर एरिया जो है वो आपका साउथ दिल्ली है मान लेते हैं, तो वो आपका निश हो जाएगा जहां पर आप फंक्शंस बेटर करते हैं। साउथ दिल्ली में ही आपका स्कूल है, साउथ दिल्ली में ही आपका घर है, आपके रिश्तेदार वहीं पर रहते हैं, तो वो आपका जो है वो निश है। आप वहां पर फंक्शनल जो आपकी फंक्शनैलिटी है वहां पर आपकी ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में भी फंक्शनैलिटी है लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपका निश एरिया में। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोग का एकदम बहुत जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है या कोई भी स्टेप में गड़बड़ हो जाती है और बहुत लार्ज प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या होगा, वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा होंगे। अगर रेप्लिकेशन प्रोसेस में एरर्स ज्यादा होंगे तो वेरिएशन भी ज्यादा होगा, तो वेरिएशन ज्यादा होगा तो हम लोग जो पेरेंट्स से बहुत अलग लगेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन इज नॉट गुड, या बहुत सिमिलर वेरिएशन होना भी बहुत सही नहीं है, ठीक है। लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन इज गुड, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपीइंग, जो डीएनए कॉपीइंग है वही रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिजाइन। इसीलिए रेप्लिकेशन प्रोसेस में कॉपीइंग होना इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ताकि हम लोग अपने निश में अच्छे तरह से परफॉर्म कर सके फंक्शंस को, ठीक है। क्योंकि निश तो चेंज नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना कि आप साउथ दिल्ली से उठकर आप डायरेक्ट अमेरिका में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हमारा जो डीएनए, हमारा जो बॉडी मेकेनिज्म बना हुआ है वो हम लोग दिल्ली में रहने के लिए बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा बॉडी डायरेक्ट साइबेरिया के साइबेरियन रीजन को ठंड को महसूस मतलब सह सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग अपने पर्टिकुलर निश पर्टिकुलर हैबिटेट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाते कोई भी एक्टिविटी, ठीक है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निश एंड इफ द निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, है ना। तो अगर हमारा निश चेंज हो जाता है, अब देखते हैं आप लोग कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे ठंडियों का टाइम आएगा तो अभी पॉल्यूशंस का दौर शुरू हो जाएगा दिल्ली वाले रीजन में, या बहुत सारे जो अमेरिकन रीजन्स हैं वहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन फ्लड्स इस तरह से आते आते रह रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो निश है हमारा हैबिटेट है वो चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से जिस तरह से निश हमारा चेंज हो रहा है उसी तरह से हमारा बॉडी भी वेरिएशन होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग अगर क्लाइमेट के साथ में हम लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा सर्वाइवल क्या होगा, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। और आपने पढ़ा ही होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन की थियोरीज, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इवोल्यूशन उसमें आप जरूर पढ़ेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इफ सम वेरिएशन वेर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस ऑफ फॉर देम टू सर्वाइव, है ना। तो अगर जिसमें वेरिएशन हुआ होगा जो क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकता है, न्यू क्लाइमेट को अडेप्ट कर सकता है, वो तो सर्वाइव कर लेगा, और जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसका सर्वाइबिलिटी कम हो जाएगा या फिर वो मर भी सकता है। तो इसीलिए वेरिएशन होना जरूरी है, और वेरिएशन किस में होता है, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। दस इफ देयर वर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वेर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, है ना। क्योंकि उनको ठंडी वाटर टेम्परेचर में रहने की आदत पड़ गई है उस बैक्टीरिया की। अब टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी निश चेंज हो गई। अब निश चेंज हो गई तो वो ज्यादा हीट वाले पानी में सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। और ये बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन होता है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट के जो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है लास्ट के जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उन पे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, लेकिन ये पार्ट्स ज्यादा समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी वाले पार्ट्स तो बहुत आसान से हैं, वो जस्ट याद ही करना। फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली जैसे यूज पे सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं जो ईस्ट होते हैं, ठीक है। ईस्ट सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएंगे। तो ये जो बड़े वाले जो है ईस्ट, ठीक
ठीक है, तो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये सब हमारे ईस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। साथ ही साथ में जब आप ब्रेड, जो हम लोग व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कोई भी अगर ब्रेड लेंगे, उस पर थोड़ा सा पानी मॉइस्चर डाल देंगे और उसको ऐसे ही एटमोस्फेयर में ही छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, तो आपको उस ब्रेड पे काले काले धब्बे नजर आने लगते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली काले धब्बे जो होते हैं वो बेसिकली फंगस की ग्रोथ होती है, फफूंदी की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, एक टाइप ऑफ फंगस है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से फंगस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, फंगस के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हाइफे, राइजोइड्स, स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम्स होते हैं, जिसमें मेनली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल स्पोर्स होते हैं। अगर वैसे ब्रेड्स को आप फफूंदी लगे हुए ब्रेड्स को, फंगस लगे हुए ब्रेड को कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली जो स्पोर्स है, हार्मफुल स्पोर्स है, वो आपके बॉडी को हार्म करेंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगे, तो बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। तो वैसे ब्रेड्स को बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। तो ये अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से फंगी के भी नजर आएंगे। तो ये सब जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, हाइफे क्या होता है, राइजोइड, स्पोर्स, स्पोरेंजियम, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी जानना होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिकली एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ऑब्वियसली आपको ये जूनियर क्लासेस में पढ़े ही होंगे, इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, क्योंकि वहां पर सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो एक सिंगल पेरेंट ही वो प्रोड्यूस कर, न्यू यंग प्रोड्यूस करने के में काबिल रहता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहा जाए तो मेल्स जो होते हैं वो स्पर्म्स बनाते हैं, और जो फीमेल्स होते हैं वो एग या ओवम रिलीज करते हैं, ये क्या है, गैमेट्स है, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, एग्जैक्ट हूबहू कॉपीज होते हैं मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि सिंगल मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ही में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल फीमेल्स, तो और उनका जीन जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंबाइन होता है, इसीलिए ऑब्वियसली वेरिएशंस होंगे ही होंगे, लिटिल बिट ऑफ वेरिएशंस होंगे ही होंगे, ठीक है। अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीके होते हैं, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जैसे एनिमल्स में मेनली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली, इस पार्ट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ज्यादा एम्फोसिस रहेगा, जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट्स आएंगे उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फिशन, ठीक है। तो फिशन भी अलग अलग तरीके से होता है, बाइनरी फिशन भी होता है और मल्टीपल फिशन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किस में, तो एमोएबा में, यस, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है किस तरह से बाइनरी फिशन होता है। तो एमोएबा पता ही है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेल डिवीजन और फिशन, बेसिकली फिशन को ही सेल डिवीजन कहते हैं, मतलब अगर एक ये सेल है तो वो डिवाइड कर जाता है दो सेलों में, इसी को ही सेल डिवीजन कहते हैं ना, तो फिशन भी वही चीज है। आपने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा होगा, मोर और लेस काइंड ऑफ सेम थिंग है, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो वो दो इक्वल हाफ्स में बट जाते हैं, जैसे कि अमोइबा, द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन अमोइबा। तो जो अमोइबा में स्पेशली क्या होता है, अमोइबा जो होता है उसका बहुत इररेगुलर शेप होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है, वो अदरक की तरह फैला हुआ रहता है। तो सबसे पहला स्टेप है मदर अमोइबा, ठीक है, और ये सब देख सकते हैं आप इसमें, इसके फॉल्स फीट्स हैं, जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया जो फॉल्स फीट, तो मदर अमोइबा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्यूडोपोडिया आर पोल्डिंग, तो जो उसके फॉल्स फीट है वो अपने अंदर तरफ खींच लेता है। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साथ ही साथ में फोर्थ स्टेप में क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और जो भी ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होंगे उसमें डिवाइड हो जाता है। फिर
साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, अल्टीमेटली हमें दो डॉटर अमोइबा मिलते हैं। तो एक मदर अमोइबा से मिली हमें दो डॉटर अमोइबा मिलते हैं, इसी को ही कहते हैं बाइनरी फिशन। एक मदर से, एक पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग बनना, इसी को कहेंगे बाइनरी फिशन। अब मल्टीपल फिशन क्या होता है? मल्टीपल फिशन भी हम लोग समझेंगे थोड़े देर में। जैसे कि लेशमैनियासिस, लेशमैनिया एक टाइप ऑफ क्रिएचर ही है स्मॉल, ठीक है, तो जो कॉज करता है, एक प्रोटोजोअन सी है मेनली, जो कॉज करता है कालाजार, एक बीमारी होती है, ठीक है, मेनली। तो लेशमेनिया जो कॉज करता है, लेशमेनिया डोनोवनी उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है, जो कि कालाजार को कॉज करता है, लेशमेनिया डोनोवनी, ठीक है। तो विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर ऑन वन एंड ऑफ द सेल। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं इसका जो है विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे चाबुक के जो विप्स होते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से होते हैं। बाइनरी फिशन ऑकर इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या होता है? बाइनरी फिशन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा। अमोइबा में किसी तरह से हो जाता है, कोई भी प्लेन में बाइनरी फिशन हो जाएगा, लेकिन अमोइबा लेशमेनिया में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो ये मदर लेशमेनिया है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और एक पर्टिकुलर प्लेन में, इस प्लेन में क्या होगा, ये लेशमेनिया दो डॉटर लेशमेनिया बनाएगा। तो ये भी बाइनरी फिशन है। तो बाइनरी फिशन के आपको दो एग्जांपल हो गए हैं, एक है लेशमेनिया और दूसरा है अमोइबा। फिर आते हैं मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है? तो बेसिकली ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआन ही है, जो प्लाज्मोडियम है वो भी प्रोटोजोआन है, जो कि मेनली मलेरिया कॉज करता है। अलग अलग टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेले, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ मलेरिया भी कॉज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम में मेनली मल्टीपल फिशन होता है। उसमें क्या होता है? मल्टीपल फिशन। इसमें एक मदर प्लाज्मोडियम से बहुत सारे अनेक सारे डॉटर प्लाज्मोडियम्स बनते हैं, बहुत सारे साइमल्टेनियस, एक ही बार में बहुत सारे डॉटर में डिवाइड हो जाते हैं, डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मोडियम के बारे में। फिर जो दूसरा मेथड है अपार्ट फ्रॉम फिशन, वो दूसरा मेथड जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन भी एक अनादर मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन मेनली इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स इनटू वेरियस पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये लकड़ी है, ठीक है, और इस लकड़ी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना, बेसिकली लिटरल भाषा में यही फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं ना, तो तीन हिस्सों में बन जाएंगे ये। तो फ्रैगमेंटेशन में भी कुछ इस तरह से ही होता है, लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे कि स्पाइरो वगैरह, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से बन सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली ब्रेक इन टू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, दीज पीसेस और फ्रेगमेंट ग्रो इन टू न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे स्पाइरो वगैरह देख सकते हैं, ये बेसिकली स्पाइरो वगैरह क्या है? एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो इसमें सेप्टम फॉर्मेशन होती है, ये देख बीच में सेप्टा होता है, सेप्टम फॉर्मेशन होता है, और दो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बन जाते हैं। फिर ये दोनों फ्रैगमेंट जो है अपॉन मैचुरेशन क्या बन जाएंगे? दो इंडिविजुअल स्पाइरो वगैरह में बदल जाएंगे, ठीक है, दो नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को मेनली फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरो वगैरह, ठीक है। स्पाइरो वगैरह इज अ ग्रीन एल्गी, जिसमें सेप्टम फॉर्मेशन के थ्रू में फ्रेगमेंटेशन मेनली होता है। तो ये तो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, लेकिन इसका जो बॉडी डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत सिंपल था। लेकिन हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन, बॉडी कंपोजिशन जो होता है वो सिंपल नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर अनेबल टू सिंपली डिवाइड सेल्स एट ए टाइम, ठीक है। क्यों वो एक बार में सेल्स डिवाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मेनली क्या होता है, सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलाकर टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, और हर सेल्स का, हर टिश्यूज का, टिश्यूज क्या बनेंगे? टिश्यूज
फिर जाके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो बहुत सारे इसमें सेल्स टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और सबका अलग अलग फंक्शंस, ठीक है। बिकॉज मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव शोन नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रैंडम सेल्स, उसमें जस्ट रैंडम सेल्स का कलेक्शन नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, हर सेल्स का अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज एंड टिश्यूज अरेंज्ड इन ऑर्गन्स व्हिच मस्ट बी पोजीशन इन अ स्पेसिफिक लोकेशन थ्रू आउट द बॉडी, तब जाके ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंपल बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे स्पाइरो वगैरह, एल्गीज में, मेनली एल्गीज में, ग्रीन ब्राउन रेड एल्गीज में, इन सब में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे भी बहुत बार कुछ रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया जा सकता है कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है। फिर तीसरा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है रीजेनरेशन, ठीक है। तो रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन मोर काइंड लेस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रीजेनरेशन, मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जैसे आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, जैसे कि जो लिजर्ड होते हैं, ठीक है, घरों में जो घूमते हैं लिजर्ड्स, उनकी जो टेल्स होती है, उन टेल्स में क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जब उनके लिजर्ड्स का टेल बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने टेल्स को शेड ऑफ कर देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे तो उस लिजर्ड का अगेन फिर से टेल्स बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में नाखून होते हैं, बाल होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, वो अगेन बढ़ जाता है, ठीक है। उस वही चीज है यहाँ पर भी, लेकिन इसमें क्या होता है, रीजेनरेशन में मेनली टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सेल्स के पास स्पेशलाइज्ड जो रीजेनरेटिव सेल्स होते हैं, वो एक नए इंडिविजुअल सेल्स में ही बन जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को ही रीजेनरेशन कहते हैं। इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ ब्रोक कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेनेरिया ले लीजिए, एक ऑर्गेनिजम्स है, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द रीजेनरेशन। तो ये अलग-अलग कट कर सकते हैं हम लोग, और हर जो सेल्स है, हर जो कट जो फ्रैगमेंटेड पार्ट्स हैं, उनके पास रीजेनरेशन कैपेबिलिटी होती है, वो नए इंडिविजुअल्स में बन सकते हैं, ठीक है। रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, हर सेल्स के पास ऐसा फंक्शन नहीं होता है। जैसे ह्यूमन लीवर होता है, ह्यूमन लीवर के पास भी रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, वो रीजेनरेट कर सकते हैं। मैंने हेयर के बारे में बताया, नाखून के बारे में बताया, नेल्स के बारे में, ये सबके पास रीजेनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन बाकी सबके पास तो नहीं है। अगर आपका एक बार न्यूरल सेल्स जो हो गया, या हर्ट सेल्स, हर्ट में जो हर्ट है वो अगर डैमेज हो जाता है, क्या उसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी है? नहीं, तो सब सेल्स के पास नहीं होता है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। दिस सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज, दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर्ड टू एज अ डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोसेस है, तो ये सब बहुत सारे सेल्स जो है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जो मास ऑफ सेल्स है, इसी को केलस कहते हैं, केलस, CALLUS, ठीक है, कैलस। तो उससे ही वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बन जाते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, इसी को डेवलपमेंटल स्टेजेस कहा जाता है। जैसे आपने कभी फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह से वो टैडपोल स्टेज से वो एडल्ट स्टेज में जाता है, तो डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं, उसी तरह से प्लेनेरिया में भी होते हैं। फिर फोर्थ जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है बडिंग, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो अभी जितना तक भी हम लोग पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल मोड ऑफ बहुत सिमिलर काइंड ऑफ साउंड करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, और बहुत इस जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है बहुत ज्यादा सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, ओवरलैप करेगा कहीं कहीं पे। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ,
ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिविजन एट वन स्पेसिफिक साइट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, एक मदर हाइड्रा है, ठीक है, बॉडी है, और इस बॉडी में क्या है, टेंटेकल्स है मेनली, तो वो टेंटेकल्स का अलग फंक्शनैलिटी है लोकोमोशंस और फूड गैदर करने में। लेकिन इस पॉइंट पे मेनली क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा मल्टीपल सेल डिविजन्स होने लगते हैं, एक ही स्पेसिफिक साइट पे रिपीटेड सेल डिविजन्स होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बर्ड डेवलप करने लगता है। ठीक है, दिस बर्ड्स डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल्स, और धीरे धीरे डेवलपिंग बर्ड्स होने लगते हैं, और वो एक फुल्ली मैच्योर बर्ड बन जाता है। जब वो फुल्ली मैच्योर बर्ड बन जाता है, तब वो जो मदर बॉडी पार्ट है उससे वो अलग हो जाता है, जो मदर हाइड्रा है उससे अलग हो जाता है, और वो एक नया हाइड्रा, नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को मेनली बडिंग कहते हैं। ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इस तरह से आप अगर फ्लो चार्ट वे में बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ, जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली ये प्लांट्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। है ना, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, देखे होंगे आपने कि अगर कुछ प्लांट्स को ग्रो करना है तो उसको जस्ट रूट को ही प्लांट कर दिए, सॉइल में लगा दिए, वो नया प्लांट बन गया, या फिर स्टेम काट कर लगा दिए बन जाता है। जैसे लीव्स में भी होता है, जैसे अगर आपको मनी प्लांट लगाना है तो जस्ट मनी प्लांट के जो लीव्स हैं उसको कट कर दीजिए और उसको मिट्टी में लगा दीजिए, या इवन वो पानी में भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो उनके पास क्या है, वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, वैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मेनली जो अपाइकल सेल्स होते हैं, है ना, अपाइकल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आपने पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो अपाइकल मेरिस्टेम्स को ही मेनली कट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस अपाइकल मेरिस्टेम्स में क्या होता है, रिपीटेड सेल डिविजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं सेल्स वहां पर, तो वैसे सेल्स को कट करके अगर हम लोग यूज करेंगे तब जाके ही चांसेस होते हैं वेजिटेटिवली प्रोपगेट करने के और वो नया इंडिविजुअल बनने के लिए। ठीक है, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स, जैसे सुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो सुगर केन्स जो होते हैं मेनली आप देखे होंगे तो ये कुछ इस तरह से होंगे, और बीच बीच में ये सब नोड्स होंगे। ठीक है, ये सब नोड्स होंगे, और कहीं कहीं पे आपको शुगर केन पे ऐसे ऐसे लाल लाल स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, तो वैसे लाल वाले स्ट्रक्चर्स को ही मेनली कट करके, उसी पार्ट को कट करके वो प्लांट, उस स्टेम को ही काट करके उसको मिट्टी में डाला जाता है, और वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है, तो वो क्या हो गया, स्टेम से बन जाता है, जैसे आलू हो गया। ठीक है, आलू, आलू के ऊपर बहुत सारे डॉट डॉट स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन ग्रीन, जिसको मेनली आई ऑफ द पोटैटो कहा जाता है। अब उस पार्ट को अगर हम लोग काट दे और वो मिट्टी में लगा दे तो एक नए आलू के प्लांट में ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये सब एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही ग्रो होंगे। गर्मियों के दिन में आप आलू लगाएंगे तो नहीं ग्रो होगा, ठंडियों में ही होता है मेनली। तो उसी तरह से रोजेस जो गुलाब होते हैं उसमें भी इस तरह का लेयरिंग ग्राफ्टिंग टेक्निक किया जाता है। बहुत ज्यादा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, या फिर आपने देखे होंगे न्यूज में कि एक ही प्लांट में बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल निकलते हैं, कि इसमें ग्रीन, ब्लू, रेड, सब एक ही प्लांट में निकल जाता है, या फिर एक ही प्लांट से अनेक अलग अलग वैरायटीज के आम भी बन जाते हैं, निकल जाते हैं, तो कैसे होता है पॉसिबल, या जो बॉन्साई ट्रीज बनाए जाते हैं वो कैसे पॉसिबल होता है, तो ये सब प्रोसेस से ही होता है, लेयरिंग ग्राफ्टिंग वाले प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में ये एबिलिटी है, ठीक है, लेकिन एनिमल्स में एज सच नहीं। तो एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, दो मेनली एडवांटेजेस है। प्लांट रेस्ड में वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ठीक है, तो सीड्स में क्या होगा, सीड्स को, सीड से सीडलिंग बनेगा, प्लांटलेट बनेगा, फिर हर्ब्स श्रब्स धीरे धीरे बड़ा होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम। लेकिन अगर हम लोग लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा जल्दी हमें फ्लावर फ्रूट मिल जाएगा।
तो सच मेथड्स आर ऑल्सो पॉसिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, तो ये बहुत फास्टर होता है। साथ ही साथ में वैसे प्लांट्स जो सीड्स नहीं बनाते हैं जैसे बनाना, ग्रेप्स, ये सब प्लांट्स जिनमें सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस हो गई है, उस प्लांट को भी हम लोग इससे ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स तो फर्स्ट पॉइंट में ही हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसमें जो भी प्लांट की कॉपीज, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो सारे क्या होंगे, वो आइडेंटिकली सिमिलर काइंड ऑफ होंगे पेरेंट्स के। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, तो अगर पेरेंट्स के जेनेटिकली और आइडेंटिकली सिमिलर होंगे ऑफस्प्रिंग, तो अगर कोई भी बीमारी पेरेंट्स में होगी तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑफस्प्रिंग में या जो नेक्स्ट जनरेशंस है उसमें वो ट्रांसफर होती जाएगी। और क्या होगा, अगर उस बीमारी में इन्फेस्टेशन हो गया या इंसेक्ट आके मतलब इन्फेक्ट कर देता है, या वायरस अटैक, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, उससे क्या होगा, पूरा प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वेरिएशन जरूरी है। अगर एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर कॉपीज बनाते रहेंगे तो अगर कोई भी बीमारी होगी तो सबको बीमारी और फैल जाएगी और कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन मेनी प्लांट्स, तो ये एक मेनली डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोडक्शन के, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है। पार्थिनोक्रा कार्पी, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको मिक्सिस पार्थिनोकार्पी के बारे में। इन मेनी प्लांट्स, न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट्स। जैसे स्वीट पोटैटो में क्या होता है, रूट से डेवलप हो जाता है। आलू में बताया, पोटैटो में स्टेम से डेवलप होता है, लीव्स में, लीव से भी होता है जैसे कि मनी प्लांट, फिर स्नेक प्लांट जो सेंसिवेरा प्लांट होता है, जो मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और एग्जांपल है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं उसमें बर्ड्स होते हैं। अगर आप इस बर्ड को निकाल कर इस लीव से मिट्टी में लगा देंगे तो वो बर्ड क्या होगा, एक नए प्लांट में बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग टेक्निक्स एग्जाम्पल्स है मेरी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू कल्चर, वो भी बहुत जाना जरूरी है। इन टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू ऑफ सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जो ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट होता है मेनली, जो बर्ड्स अपाइकल मेरिस्टम्स मेनली कहा जाता है, वहां से टिश्यूज को मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये मेनली एक लैबोरेटरिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो लैब में क्या किया जाता है, उस टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन करना टिश्यूज, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रैक्ट आसानी से हो जाता है, थोड़ा प्रोसेस होता है। फिर एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होगा, द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। ठीक है, फिर उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम दिया जाता है, अगार मीडियम में ही दिया जाता है, और उस टिश्यू को ट्रांसफर किया जाता है ताकि ये बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो और बहुत सारे कॉपीज बना ले। ठीक है, मेनली ग्रुप ऑफ सेल्स बना ले इसमें, तो इसी को ही कैलस कहा जाता है। फिर जो कैलस इज ट्रांसफर टू अनादर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, फिर इस जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम लोग एक और एक मीडियम में ट्रांसफर करेंगे जहां पर बहुत सारे हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स, डिफरेंशिएशन हॉर्मोन्स, वो सब दिए जाते हैं ताकि वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उस ग्रुप ऑफ सेल्स से सेल डिवीजन होकर प्लेटलेट्स ग्रो हो सके। ठीक है, तो उसका छोटे छोटे प्लांट्स होने लगते हैं और उन प्लांट्स को, दीज प्लांट्स आर देन प्लेस्ड इन सॉइल सो दे कैन ग्रो इन अ मैच्योर प्लांट, फिर उन प्लांट्स को मेनली सॉइल पे ग्रो किया जाता है। ये सब कहाँ हो रहा है, तो लैब में ही हो रहा है। सॉइल को छोटे छोटे प्लांट्स में हर्ब साइज के साइज तक ग्रो कर लिया जाता है, फिर उस हर्ब साइज तक ग्रो हो जाता है, देन उस प्लांट को मेनली बेचा जाता है। ठीक है, वो सीडलिंग्स जो प्लांटलेट होते हैं उसको मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, यूजिंग दिस टिश्यू और इस होल प्रोसेस को ही टिश्यू कल्चर कहा जाता है।
ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि जो प्लांटलेट्स बने क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो यूजिंग दिस टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन ए डिजीज फ्री कंडीशन। तो ये इसका टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस, विदाउट मतलब डिजीज फ्री कंडीशन में लैब में ही हम लोग बहुत टिश्यू से ही, एक अपाइकल मेरिस्टम्स के टिश्यू से ही बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, सेटअप्स, लैबोरेटरी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से सीड्स भी डेवलप होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के हाइब्रिड सीड्स भी बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, हायर क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स बनाने के लिए, ज्यादातर यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वैसे ही होते हैं जो मेनली सजाने वजाने डेकोरेशन पर्पस के लिए मेनली यूज किया जाता है, जैसे कि हाउस में, इंडोर हाउस में लगाया जाता है। ठीक है, सजाने के लिए उसी को कहा जाता है। फिर लास्ट जो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, वो है स्पोर फॉर्मेशन। मेनली स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, तो फंगस जो होते हैं, फंजाई वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड कॉल्ड राइजोपस। ठीक है, तो जो ब्रेड मोल्ड है, मैंने बताया था, आपको फोटो भी दिखाया था, ब्रेड मोल्ड काले काले धब्बे हो जाते हैं, उस पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मेनली ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाले ऐसे ऐसे करके जो स्ट्रक्चर्स हैं, यही क्या है, इसी को हाइफे कहा जाता है, हाइफे ऑफ द फंगस। और इस फंगस का नाम क्या है, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड कुछ भी कह सकते हैं। राइजोपस साइंटिफिक नेम है, ब्रेड मोल्ड कॉमनली कहा जाता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। और हाइफे जो है ये एक टाइप ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, देखने में तो वही लग रहा है ना, तो कनेक्ट करते हैं वो अलग अलग पार्ट को। ठीक है, तो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हाइफे का काम रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है, जो टाइनी ब्लॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, जो ये सब नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो होते हैं मेनली स्पोरेंजिया। ठीक है, द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोफस इंडिविजुअल। तो इस स्पोरेंजियस में क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वही स्पोर्स जब स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होता है, बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, और वो स्पोर्स फिर से नीचे गिर जाते हैं कोई भी सरफेस पे, चाहे वो ब्रेड पे गिरे, तो और इसी तरह से क्या होगा, धीरे धीरे और बड़े बड़े हाइफे जुड़ते जाएंगे, और वो फंगस जो है, फंगस और बढ़ते जाएगा, ग्रोथ होते जाता है। इसीलिए जो फंगस का जो ग्रोथ होता है, फफूंदी का ग्रोथ जो होता है, मेनली इसी तरह से ही होता है। ठीक है, जैसे अचार में, अचार में अगर आप मैक्सिमम क्या होता है, अगर भीगे हाथ से अचार को आप ले रहे हैं, ठीक है, बढ़नी से, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे मॉइस्ट कंडीशन मिल जाएगा और फंगस लगने लगता है। ठीक है, बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, स्पेशली मॉनसून टाइम में जब मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस समय फंगस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हाइफे के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल है, जो स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। ठीक है, तो स्पोर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा थिक होते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं हर स्पोर्स का, तो जब तक उनको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिलता वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, तो वो बहुत समय तक वो एज अ स्पोर्स भी रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को ही मेनली स्पोर फॉर्मेशन कहता है। तो ये था मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स हम लोग समझ गए। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ज्यादा एम्फोसिस देंगे, उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स में मेनली किस तरह से होता है वो हम लोग सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। अगर इस पार्ट में आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।